यो गाइस, देखो सुबह का शुरुआत 5 बाइकों के साथ और आज हम लोग जा रहे हैं पतरातु वैली बहुत टाइम के बाद। क्या जी, ब्लॉग हो गया शुरू? तो इधर ब्लॉग का शुरुआत है, तो हम लोग का सबसे पहले इधर R15 मांबा कार से, फिर और एक R15, फिर एक R15 और मेरा ड्यूक। एंड तुम लोग को एक चीज़ दिखाया, देखो भाई टायर, देखो टायर है ही नहीं भाई, टायर है ही नहीं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू पतरातु। एंड पीछे पे तो है टायर, उस पर ग्रिप है, बट आगे वाले पे नहीं है। क्या करना क्या है ग्रिप का, लीन वैसे भी हम उतना नहीं मारते जल्दी, है ना। मीनवाइल भाई, सो लीन गेम तो इन लोग करेंगे, हम व्हीली गेम करेंगे अपना, वही कर सकते हैं हम। लीन वगैरह आता नहीं है उतना अच्छा से, एंड ग्लव्स वगैरह कोई नहीं लेके जा रहा है, ठंडा लग रहा है। सो चलो यहाँ से निकलते हैं एंड मिलते हैं तुम लोग से सीधा फ्लाईओवर के नीचे, कांके वाला। तुम ही कर लो ये काम पहले तो। गुड मॉर्निंग लग रहा है ठंडा। गुड मॉर्निंग हाँ, अरे गुड मॉर्निंग आ गए आप, गुड मॉर्निंग। विली मार देंगे बोलेगा तो, गुड मॉर्निंग। अरे मेरा में नहीं होता वैसा, विली मारेंगे रुको निकलने टाइम। हमारे रुके ना वहां से रुको तो। रे किस कदर ठंडा है, बहुत खराब ठंडा है। गुड मॉर्निंग ठंडा तो लग रहा है, बहुत गंदा वाला, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठंडा है रे, हाथ पूरा लाल हो गया है। मारे ना तो छः गियर में कौन है, हाँ सब आगे लड़ेगा। वो घुमाएगा वो कष्ट कहाँ पता, वो महान है ना। हम तो इधर, वो थोड़ा इसने कहा पता कहा आया है तुमको नहीं पता, आगे साइड से। हाँ अरे फिर गाड़ी आग तपाएगा का, सही में गरम कर लेते हैं, हाथ तो लाल हो रखा है पूरा। ये तो आगो नहीं गरम करने पा रहा है हाथ को, क्या करे अब। काका बोल रहा है यहाँ फिर सेंसर करना होगा इस जगह को, तो चलो मिलते सीधा यहाँ से निकलते उस टाइम। भाई इधर ट्रैक रेस चल रहा है मेरा और नए वाले 250 पेट, वो आगे भाई मेरा छठा गियर अभी लगा, क्या लगता है स्मोक कर पाएंगे स्टॉक टायर पे। भाई यहाँ रोड ही थोड़ा खराब हो गया, वरना सोच रहे थे
था स्मोक करने का, बट क्या बोले यार, नए वाले पे अच्छा खासा पावर बढ़ा गया है, एंड प्लस भाई उसका वेट लाइट वेट है एंड पावर भी ज़्यादा है ना, तो क्या होगा आगे ही रहेगा, प्लस हैंडलिंग वगैरह सब भाई पूरा चेसी वगैरह पूरा बाइक चेंज हुआ, तो समझ रहे हो ना परफॉर्मेंस कैसा, एंड KTM का तो समझ रहे हो यार, अपग्रेड करता है तो इंजन अच्छा लाता है, तो इसीलिए भाग रहा है भाई वो वाला, और मेरा BS6 पता नहीं क्या है यार, बट सही है, विलीज होती है इस पर, इट्स ओके, बैलेंस ठीक है, एंड हम तो लीन नहीं मार सकते बाबा, नहीं तो हम उधर जाएंगे, इसीलिए मेरे को लीन पे आराम से जाना होगा यार, जस्ट कॉज मेरे पे टायर अच्छा नहीं है, फ्रंट पे पूरा घिस गया यार, टकली हो गया यू नो फ्लैट टायर थिंग्स, अच्छा ग्रिप रहता तो अच्छा लगता है ना झुकाने में, सो भाई एंड कोई यहाँ पर डर्टी थिंग्स नहीं बात कर रहा है, ठीक है हम लोग लीन का बात करें, तुम लोग कुछ उल्टा मत सोच लेना कि अच्छा ग्रिप्स हो अच्छा, हाँ अरे बच्चा भाई किधर जा रहा है यार क्रिकेट खेलने, आज तो ऐसे कॉप्स वगैरह नहीं दिख रहे अपने को, जो कि बहुत अच्छी बात है यार पतरातू पे, कॉप्स की वजह से, कॉप्स की वजह से हमेशा सीन होते रहता है इधर पतरातू वैली पे, तुम लोग जान ही रहे होगे जो लोग यहाँ आते रहते हो, अरे यहाँ तो हल्का हल्का बालू भी यार, तो मेरे को संभल के चलाना होगा यार, तुम लोग कभी भी ओवरटेक लेने का सोच रहे हो तो तुम लोग पहले लेफ्ट साइड से चेक कर लेना, एंड आगे खाली है देनी, तुम लोग जाना आगे यार ओवरटेक करते हुए राइट साइड से, बाय 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 बाय, हमको तो झुकना पड़ेगा यार लीन के लिए जस्ट कॉज मेरे पे टायर नहीं है, एंड फाइनली वी आर एट ऐसा मंदिर पास पहुंच गया, एंड ये लोग सब इंश्योरेंस करा रहे हैं अपना पता नहीं क्यों, एंड क्या हुई है डबल डबल हुडी कौन काची, वो हम लोग विली मारते आ रहे थे ना थोड़ा चार गियर खड़ा होकर, तो गाइस बेइज्जती हो रहा है यहाँ पर, क्या बोलेंगे गद्दारी कर बे आए बैगन, अरे इधर ठंडा से तो हालत खराब हो रखा है, डोमिनेटर तो आगे क्या डोमिनेटर लोग सब, अरे वो अपाची वाला आएगा क्या लगता है, अपाची वाला याद है ब्लॉगर, हमको तो लग रहा है तो आएगा वो, चलो निकलता है बहुत, चलो इंश्योरेंस हो गया का गॉड, चलो वैली रन, अरे हम थे लीन हुआ है रिकॉर्ड पूरा फ्लैट है मेरा, आगे वाला पूरा फ्लैट है, तो चलो यहाँ से निकल रहे हम लोग, एंड ये वाला ब्लॉग तो तबाही होएगा यार, क्योंकि पतरातू का आई थिंक ये मेरा पहला ब्लॉग होगा, ग्लव्स नहीं ग्लव्स से मेरे को बनता ही नहीं यार बाइक भगाने, इसीलिए एंड ठंडा भी लग रहा है, बट इसको और को पोक करते, चलो ब्लॉगर चीचा चलो तो यार बहुत अच्छे, तो चलो हम लोग सब निकल रहे हैं वैली की ओर, एंड हमको तो आराम से ही चलना होगा क्योंकि मेरे को वो नहीं है, मेरे से नहीं होगा यार लीन, मेरे पे टायर नहीं है, अगर हम झुक के वाला भी करेंगे तो उसमें भी रिस्क हल्का,
रहा, पता नहीं यार तेल गिरा हुआ लग रहा है मेरे को उस साइड पे हल्का हल्का, और वो तेल ही आई गेस। देखो ये सब भी तेल है भाई, बीच पे देख रहे हो। इन लोग का देखो टायर सही है तो ये लोग पूरा लीन मारते हुए जा रहे हैं। एंड हम मारेंगे लीन तो देख रहे हो ना उधर दिखेंगे भाई उधर। देखो ये विशाल चीचा को पूरा लीन मारते हुए, हम कर नहीं सकते यार। सैडनेस भाई सैडनेस, बट क्या है, विली पे आओ, विली पे बताते विली पे ही मैटर नहीं करता भाई, टायर पे ग्रिप है नहीं है क्या है, डिपेंड करता है कि बाइक पे बस टायर होना चाहिए। क्या मतलब रिम पे करने वाले हो तुम लोग विली साइड, मेरे को कोई तो कॉल कर रहा है। 9006 किसका नंबर हो सकता है, आई डोंट नो उस नंबर इट इज, सोच लो। चलो देखो ना पूरा तेल गिरा हुआ है रोड पे। ये लोग का तो टायर यार भगाते हुए जा रहे हैं यार, मेरे पे भी टायर रहता ना तो इन लोग से तो आगे रहते, पक्का आगे रहता भाई। इवन आफ्टर हैविंग अ 250cc इन लोग से आगे रहते, क्या मतलब ये लोग को पता है कुछ होने वाला है यहाँ। बूम 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 साइड पे जा रहा है यार बाइक, पता नहीं क्यों। हम भी पता नहीं क्या कर रहे अपना बॉडी बैलेंसिंग से, मेरा तो शरीर ही काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। आई थिंक आई एम बीइंग पैरालाइज्ड वैसा लग रहा है, बड़े सा कोई सीन है भाई। ठंडा लग रहा है ना, ठंडा में क्या कर सकते हैं अब, बॉडी पूरा कांप रहा है। तो वैसे पे वो तो हमको भी नहीं पता बाइक कैसे चला रहे, क्योंकि इधर बहुत गंदा ठंडा है यार। एंड ऊपर से हम जैकेट भी नहीं पहने, हुडी पहन के आए जस्ट टू लुक कूल, बट एक्चुअली आई एम अ फूल। हम पीछे होके लीन नहीं कर सकते जैसा वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उस पर मेरा फ्रंट टायर से ग्रिप ही हट जाएगा पूरा, इसलिए हमको थोड़ा सा आगे होके ही करना पड़ रहा है लीन। यार पतरातू का अलग ही मजा है भाई, पतरातू का अलग ही मजा है। आवेश मेरे पास भी रहता 390, देन इधर से हम भाई जाते विलीस मारते हुए, लाइक ऐसा लीन मारते, गियर भी डाउन नहीं करना पड़ता उसमें तो, एंड उसके बाद ऐसा करते एंड फिर विली मारते हुए पार हो जाते। क्या बोले यार 250 ही है भाई, ट्रक से डर लगता है। जा रहे भाई थर्ड गियर मार दिया भाई, इधर डोमिनार में कहाँ बोलेंगे अब आगे। देखो नहीं लो मेरा बेइज्जती कर रहा है, काम मतलब एक हाथ में थर्ड गियर मारने जा रहे हैं। टेंशन नहीं आपको ब्लॉग में लेंगे, आपको लेंगे ब्लॉग में देख सकते हो। हाँ जा रहे, पहले ब्रेक देख के आते अपना।
बड़ा ही प्यार से हमने 5 गियर मार दिया इस पतरातू वाले ब्रिज पे। क्या ही बोल सकते, मजा आता है ना व्हीलीस मारने में। थोड़ा सा मेरे को साइड में ही रहना होगा यार। देखो डोमिनार में विली, हाय डोमिनार में गियर शिफ्ट बड़ा बात है यार, बात तो है क्योंकि हेवी बाइक है। ड्यूक पे तो हो जाता है क्योंकि थोड़ा लाइट वेट है ना, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इस पे। मतलब एक चक्का में थे ब्रिज भर एक चक्का में। फक, हम अभी ध्यान दे रहे भाई, हम स्ट्रैप लगाना भूल गए थे। लगाओ भाई, लगाओ स्ट्रैप, लगाओ। अच्छा हम एक चक्का में थे ना अभी ब्रिज पे। ओह अच्छा अच्छा, बट हमें तो सिखाया गया है कि बाइक को ऐसे दो चक्के में चलाना चाहिए। पता नहीं एक चक्का जरूरी है, एक चक्का भाई दो चक्का में चलाना चाहिए। सीन है भाई, अबे कुत्ता उत्ता जाता भाई रोड पे। भाई डॉग्स वगैरह आ गए थे रोड पे, पता नहीं क्या सीन है। पर तो पता नहीं होगा कि नहीं। 14 पिच कैटलूस राना, फ्लैट टायर्स। एंड सब लोग शौक में है कि भाई देखो फ्रंट टायर है नहीं फिर भी स्टॉप इतना स्मूथ। स्किल्स ब्रो, स्किल्स, यस स्किल्स। एंड लास्ट अपने साथ ट्विनिंग पे एटॉमिक स्कल आई गेस, क्योंकि मेरे को पता नहीं उनका नाम अच्छे से, इसलिए इंस्टा आईडी बता सकते हैं। सीन था यार, वन एंड मार रहे थर्ड गियर। एक चक्के पे ब्रिज पार, ठीक है, एक हाथ पे ब्रिज पार, एंड दोनों कॉम्बिनेशन में, ठीक है कॉम्बिनेशन में। स्मूथ है, स्मूथ है भाई, स्मूथ है। हाँ आगे, हाँ तो सारे लोग जहाँ बोले तभी गिली मारा था हम लोग, कहाँ कर सकते हैं।
वाला भी लिख रहा था अरे मैसेज किया था ना।